Honestly, this season was such a blast to see you performing so well. So, अगर शुरुआत से अब तक की जर्नी की बात की जाए, करिश्मा, कौन कौन सी चीजें जो आप ख्याल में आती कि मैंने सोचा भी नहीं था आपने शायद जो जो होने वाला था इस शो में? फर्स्ट ऑफ ऑल सोचा नहीं था कि मैं ये शो को शो में पार्टिसिपेट करूंगी भी, क्योंकि मैं बहुत ही डरी हुई थी, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था. मैंने ऑलमोस्ट ऑल द रियलिटी शोज कर लिए, पर ये शो को करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इसमें बहुत ही मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है. और मुझे लगा था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट कैसे तैसे मैंने ये शो किया एंड अपनी जगह बनाती गई मैं आगे आगे जाकर. एंड यस, हियर एज अ विनर एंड आई एम लविंग इट. जब जब टॉप्स की बात आ रही थी, टॉप 5 में, फिर टॉप 3 में, फिर टॉप 2 में, जिस तरह से एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा था, कौन सी वो फीलिंग थी जो सबसे ज्यादा आपको लग रही थी? क्योंकि मुझे लगे बहुत समय बाद आई गेस कोई फीमेल कंटेस्टेंट को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला जीतने का. जी, लिटरली बहुत सालों के बाद एक फीमेल कंटेस्टेंट जीती है. और जब मैं टॉप 3 में आई थी तो तब मुझे लगा कि अब तो मुझे जीतना ही जीतना है, क्योंकि इतने पास आ गई हूँ मैं ट्रॉफी के, तो अब तो एक लड़की जीतनी ही चाहिए. मैं कुछ फेमिनिस्ट नहीं हूँ कि लड़की और लड़के में भेदभाव करूँ, पर मैं चाहती थी कि इस बारी एक लड़की जीते ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए. अगर टास्क की बात करें तो ऐसा तो अब कोई टास्क नहीं बचा होगा जिसको आपने परफॉर्म नहीं किया होगा, लेकिन अभी भी कोई ऐसा है जिसके लिए आपको डर लगता है सोच के भी कि हाँ ये टास्क अगर फिर से करने मिला तो मैं शायद डर जाऊं? नहीं, मुझे कोई टास्क से अब डर नहीं है. मतलब ऑफ कोर्स एक कंपटीशन में आते हो तो वो डर आ जाता है, क्योंकि आपको कम्पीट करना है, आपको अच्छा करना है, आप दूसरे कंटेस्टेंट के टाइमिंग को बीट करना चाहते हो, तो वो सब आ जाता है. पर मुझे कभी भी किसी भी चीज की फोबिया या हाइट से डर ऐसा कुछ नहीं था, लकी. ओके, एक मोटिवेशन जो आपके अंदर जो हमेशा से था, वो किस चीज से था? कि मॉम ने जो विश्वास मुझ पर रखा है उससे मैं पूरा करूं, मम्मी को निराश और मैं अपने फैंस को भी निराश ना करूं. ओके, तो आई करिश्मा, देयर वाज अ फैन क्वेश्चन हियर आई सॉ कि आपको क्या लगा था तेजस्वी आपके लिए बिगेस्ट कंपटीशन हो सकती थी? तेजस्वी धर्मेश दोनों बहुत ही अच्छे कंपटीशन थे. मैं एक इंसान का नाम नहीं लूंगी. एक दिन, एक हफ्ता ऐसा होता था जहां धर्मेश माइंड ब्लोइंग करता, एक हफ्ता ऐसा होता था जहाँ अदा बहुत अच्छा करती थी, मतलब सबको शॉक कर देती थी, एक हफ्ता ऐसा होता था जहाँ करण शॉक कर देता था, और एक हफ्ता ऐसा था जहाँ तेजस्वी सबको शॉक करती थी. तो ऐसा मैं एक इंसान के पर यस, डेफिनेटली धर्मेश के साथ, तेजस्वी के साथ स्टंट्स करने में ज्यादा मजा आता था, क्योंकि वो लोग स्ट्रांग थे तो मेरे लिए भी बहुत चैलेंज. तो और एक लड़की थी, तो मुझे लगता था कि अगर हम दोनों टॉप 3 में आ जाएंगे तो हम दो लड़कियां लड़कों पे भारी पड़ेगी एंड ऑल दैट, तो मैंने वैसा सोचा था. पर बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ तेजस्वी के साथ. अच्छा, एकता कपूर ने थोड़ा सा हिंट दे दिया था सभी को कि आप ही जीतने वाली थी, तो आपके अंदर पर्सनली कितनी एक्साइटमेंट थी सभी को बताने के लिए? बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि हमने आई थिंक 1-2 दिन पहले शूट किया और उसके बाद टीवी पर आने वाला था, बट अकॉर्डिंग टू द कांट सेट. और लिखा, हमने भी खाली कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा था, बट इट वॉज डैम क्यूट, क्योंकि होता है ना कि कंट्रोल नहीं होता है. पोस्ट करना है अपने फ्रेंड के लिए एंड शी टेक्स मी एज अ वेरी डियर फ्रेंड. सो या देयर वाज इवन अ फैन क्वेश्चन दैट विदाउट एनी गॉडफादर यू मेड सच अ ब्रिलियंट एंड अमेजिंग जर्नी थ्रू आउट फ्रॉम स्टार्टिंग. तो किस तरह से बीइंग इन अ गुजराती फैमिली, काफी ज्यादा आपको चीजें उतनी शायद नहीं थी जितना मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर, कि उतनी फैसिलिटीज शायद आपको नहीं दी गई थी, उतनी चांसेस नहीं मिलने के चांसेस थे, तो किस तरह से आपने अपने आप को हमेशा कैरी किया और क्या कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, ऑफ कोर्स मेरा कोई गॉडफादर नहीं है इस इंडस्ट्री में, बट मैं वो सिंपथी नहीं लेना चाहती हूँ. गॉडफादर नहीं है तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके गॉडफादर नहीं है पर उन्होंने मेहनत कर कामयाबी पाई है. तो बस यही है, किसी किसी को जल्दी से मिल जाता है, किसी किसी को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है. मेरे केस में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है मुझे टू रीच सक्सेस, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम अबाउट इट. मैं बहुत ही खुश हूँ कि
कि मैं स्ट्रगल करने के बाद मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, क्योंकि मुझे सक्सेस का जो वो होता है, एक्चुअल सक्सेस होता है, वो मैं फील कर पा रही हूँ इतने स्ट्रगल के बाद. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड इट्स ऑल बिकॉज योर फैंस, ऑल द फैंस जिनकी ब्लेसिंग्स है, जिनका सपोर्ट है हमेशा से, माय मदर, माय गॉड, सो एवरीबॉडी इज सपोर्ट इज विद मी एंड आई एम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी. Frames are blank. A lot of people are asking. So I basically before the lockdown just happened, I shifted in this house. Or मुझे मौका है to click the pictures and put it. तो lockdown हुआ, मैं shift हुई, lockdown हुआ और ये लगा दिए और अब मैं wait कर रही हूँ. ये actually ये मेरी family के pictures है जो मैंने लगाए हैं और मुझे सारे के सारे black and white चाहिए. अब मैं wait कर रही हूँ कि कब click, कब मैं पोस्ट करूं, आई मीन कब मैं इसमें लगाऊं, तो उसका वेट हो रहा है, इसलिए फ्रेम्स पर बहुत खराब हुआ देखेंगे.